फ्रेंड्स, आज बात करते हैं चाय पत्ती से बनने वाले ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसमें मैं एक चीज़ और इस तरह से मिलाऊंगी कि प्लांट में यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं या प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, साथ ही प्लांट में किसी भी तरह के फूल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो समस्याएं होती हैं वो आयरन की कमी से होती हैं। तो इसमें मैं जो चीज़ मिलाने वाली हूँ वो आयरन से भरपूर और बिल्कुल फ्री की चीज़ है, और इस नाइट्रोजन रिच चाय पत्ती से हमारे प्लांट में न केवल ग्रोथ होगी बल्कि इसकी जो मिट्टी है वो भी बहुत अच्छी उपजाऊ बनेगी, और हम जो भी फर्टिलाइज़र प्लांट में डालते हैं वो हमारे प्लांट को लगेगा। तो इन दोनों चीज़ों की मदद से आज मैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, और ये फर्टिलाइज़र सभी प्लांट के लिए यूज़फुल है। ख़ासतौर पर हमारा जो हिबिस्कस प्लांट है और जो रोज़ प्लांट है उसके लिए आयरन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उन दोनों के लिए तो ये वरदान है। आप इस फर्टिलाइज़र को कभी भी डाल सकते हैं, बस लगातार बारिश ना हो रही हो तब आप ना डालें, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र यदि लगातार बारिश होगी तो फिर हमारी मिट्टी में नहीं चल पाएगा और ये पानी के साथ बह जाएगा। तो जब भी बारिश रुकती है या फिर अभी आपके यहाँ बारिश नहीं हुई है तो आप इस फर्टिलाइज़र को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आयरन की कमी होती है तो कुछ इस तरह से ये देखिए प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ती हैं। ये रोज़ प्लांट है और आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो नई पत्तियाँ आ रही हैं वो भी पीली पड़ रही हैं और बड्स भी ठीक तरह से नहीं निकल पा रही हैं। तो ये इसमें प्लांट में इस तरह से आयरन की कमी दिखाई दे रही है, तो इसके लिए मैं ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। और ये रोज़ प्लांट देखिए आप, इसमें कहीं भी आपको पत्तियाँ पीली नज़र नहीं आएंगी, तो इस प्लांट में आयरन की कमी नहीं है, ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। और अक्सर ये प्रॉब्लम हमें हमारे गुड़हल प्लांट और रोज़ प्लांट में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में मैं ये 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ डाल दूंगी। इसके बाद आयरन के लिए हमें इसमें डाल देना है ये कील हो या लोहे का आपके पास कोई भी टुकड़ा हो इस तरह से, तो आप इसको डाल सकते हैं। और जब ज़्यादा अच्छा जब रहेगा, जबकि ये इसमें जंग लगी होती है, देखिए मैंने जंग लगा लोहा लिया है, तो इसको मुझे इस पानी में डाल देना है। तो ये हमारे प्लांट में आयरन की कमी दूर करेगा, इस पानी में इसका जो आयरन है वो घुल जाएगा, साथ ही जो चाय पत्ती है वो बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएगी प्लांट के लिए। उसमें कुछ मात्रा में पोटेशियम और फॉस्फोरस भी होता है जो कि हमारे प्लांट के लिए फूल लाएगा और उसकी मजबूती के लिए काम करेगा। तो ये दोनों चीज़ें मिला के हमें इसको 2 दिन के लिए रख देना है। 2 दिन में ये बहुत अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा, तो मैं इसको 2 दिन के लिए रखती हूँ। 2 दिन बाद आपको बताऊँगी किस तरह से इसे यूज़ करना है। फ्रेंड्स, 2 दिन बाद देखेंगे हमारा फर्टिलाइज़र किस तरह से बन के तैयार है। तो देखिए इसका पूरा कलर चेंज हो गया है, और जो हमने नीचे कील डाली है लोहे की और जो लोहे का सामान डाला है उसका पूरा आयरन इसमें ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। इसको अब हम छान लेते हैं। ये जितना हिस्सा आपने फर्टिलाइज़र लिया है उसकी दुगनी मात्रा में आपको इसमें पानी मिला लेना है। तो मैंने 1 हिस्सा इसमें फर्टिलाइज़र और 2 हिस्से में सादा पानी मिलाऊँगी, उसके बाद अपने पौधों में डालूँगी। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र डालने के लिए बिल्कुल तैयार है, और इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए हमने जो कील डाली थी उनका क्या हाल है। तो ये इसमें बहुत अच्छी मात्रा में ये देखिए जंग लग रही है, और धीरे धीरे इसमें आयरन घुलता जा रहा है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट की सॉइल में आसानी से डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रोज़ प्लांट है और आप देख रहे होंगे इसमें जो नई लीफ निकल के आ रही हैं वो येल्लो कलर की हैं, तो इसमें आयरन की कमी है। इस रोज़ प्लांट की मिट्टी में मैं इसमें 100 ml के आसपास ये फर्टिलाइज़र डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें ये फर्टिलाइज़र।